काफी है। और एक बार खा के दिखाओ। ये जूनियर खौड़ा और ये सीनियर खौड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं दीदी लोग का घर जाने के लिए। और इधर मेरा कैमरामैन आज कुछ अलग ड्रेसअप में काय ऑर्डर करा है, तार दुबा करना है। हम लोग जो बलजुरी से लाए थे संबलपुरी वाला कपड़ा, तो उसका साठ सिलाई किए हैं, उसको पहने हैं। अभी धूप का सीजन पहुँच गया ना, धूप में ऐसे सूती वाला पहनने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसको पहन लिए हैं। हम लोग ने धान पिसवाने के लिए लेके आए हैं और हम लोग का धान को आधा डाल दिए हैं और न करंट भाग गया, तो गोर गोर वाले बैठे गए हैं पूरा। एक घंटा जैसे तो हो गया, अब कब करंट आएगा और कब हम लोग पिसवाएंगे और कब जाएंगे पता नहीं। आज तो करंट भी आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग आते हैं उसी टाइम ऐसे होता है। अरे यहाँ पर देखिए ये चिड़िया सब कैसे आ गए इनका घर में। हम लोग बैठ बैठ के आंस आ रहे हैं, सब पे अपना अपना घर चले गए नहाने धोने खाने पीने रेस्ट करने के लिए, और दुकान सब भी बंद कर दिए और हम लोग बस बैठे हुए हैं यहाँ पर। कब जो आएगा पता नहीं, इंसान सी लग जा रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स करंट आ गया है और हम लोग सोचिए दो बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे, दो से अभी कितना 3:41 हो रहा है। इतना टाइम हम लोग यहाँ पर वेट पे बैठ बैठ के पूरा मेड़ आ गए। कोई नहीं, चलो आया तो सही, करंट हम लोग का काम हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे दीदी घर। जो कुछ भी पहुँचाना है या फिर उनसे मिलना है हम लोग जाके पहुँचा देंगे, मिल उल के आ जाएंगे। मैं तो सोच रही थी कहीं यहीं पर शाम ना हो जाए, फिर हम लोग को यहाँ से फिर वापस घर ना लौटना पड़े, क्योंकि हम लोग को ना कहीं जाने के लिए ऐसे टाइम निकालना पड़ता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसीलिए कल जाएंगे सोच रहे थे, लेकिन कल इनको भी कॉल आ गया तो ये चले गए, तो कल नहीं हो पाया, कल कैंसिल हो गया। आज जाएंगे सुबह बोल रहे थे, सुबह फिर गुल्लू का भी स्कूल था सुबह, तो उसको वेट करने के चक्कर में हम लोग उसके छुट्टी होने के बाद का टाइम में जाएंगे सोचे, लेकिन यहाँ पर लेट हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी जाएंगे, लेट हो गया फिर भी जाएंगे। फाइनली हम लोग निकल गए अभी इतना इंतजार करने के बाद में।
अभी हम लोग जामपली पहुंच गए हैं और थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे दीदी लंग का घर। और ये रहा ओसीएल राजगांवपुर का, दूर से अच्छा दिखता है। और इधर तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रानीबंद। और ये सामान सब लेके जा रहे हैं, सबको आगे आगे और मैं पीछे आ गई हूँ। पीछे पीछे धूप दे रहा है, शाम का पता नहीं वही 4:30-5 बज रहा है, लेकिन धूप दे रहा है। और यहाँ पर देखिए बाबू है, बाबू छोटू सा बाबू। हम लोग पहुँच के बैठे हैं, पानी वानी पी लिए और दीदी तो शायद खेत तरफ गए हैं। आ गया दीदी, दीदी लोग का यहाँ थोड़ा देर रुक के चाय नाश्ता सब किए, उसके बाद में हम लोग राजगांवपुर आ रहे हैं। हम लोग को कुछ सामान खरीदना है तो ये देख रहे हैं हम लोग कौन सा लें कौन सा नहीं। मेरा कैमरामैन को ये वाला एक चाहिए था तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं खरीदने के लिए और देख रहे हैं। ये वाला वैसे तो अच्छा है लेकिन ये वाला फाइनल किया हम लोग, ये वाला ले रहे हैं। हम लोग राजगांवपुर आते हैं तो यही मतलब चाउमीन खाना रहता है तो हम लोग यहीं पर खा के जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ एकदम पूरा खाली खाली रहता है और साफ सुथरा भी रहता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ खाते हैं और टेस्टी भी रहता है, इसीलिए यहीं पर खा के जाते हैं। बाहर में बैठ मामा भंजा लड़ रहे हैं इधर। क्या मिला? रुमाल, रुमाल मिला। पूरा कितना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, दोनों को मिल गया है इधर। और आपको नहीं मिला कोई? ठीक है, और एक बार खा के दिखाओ। ये जूनियर खौड़ा और ये सीनियर खौड़ा। ये जूनियर लोला खौड़ा और सीनियर लोला खौड़ा, दोनों लोला खौड़ा। और ये वाला मेरा है, इतना ज़्यादा है मैं खा पाऊँगी कि नहीं सोच रही हूँ। और फाइनली हम लोग खा के निकल गए हैं घर के लिए और अंधेरा तो हो ही गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं घर और अभी शायद 9 बज रहा है ना, 9 या 9:30 बज रहा है। गान खरीद के रहे हम, देखते हैं 9:30 बज गया है। और ये देखिए गन खरीदे है पूरी, गाड़ी साफ करने के लिए खरीदे हैं ये वाला। आज हम लोग पूरा आधा राजगांवपुर घूम दिए, नहीं मिला, लास्ट में उधर आगे तरफ चले गए, उधर मिला हम लोग को ये वाला चीज। ड्रेस सब चेंज करके मैं आ गई हूँ हम लोग का किचन में, किचन का इधर वाला रूम है जहाँ पर हम लोग इधर वॉशिंग मशीन रखे हैं वहाँ। और अभी टाइम हो रहा है रात का 10:15 हो रहा है। और मैं ना सुबह चावल सब भिगा के गई थी क्योंकि कल संडे है ना, तो जल्दी जल्दी नाश्ता सब रेडी करना है बोल के मैं चावल ही भिगा के गई थी। जल्दी आएंगे तो वही हाँ 5-6 बजे आसपास आ जाएंगे तो मैं पीस लूँगी बोल करके मैं ज़्यादा ही भिगा के रखी थी। और हम लोग का ना वही धान मिल जगह ही लेट हो गया और हम लोग गए उधर और आते आते हम लोग को लेट भी हो गया। कीड़ा उड़ रहा है मेरा चावल का, ये मैं ना गिर जाए बैटर में, उधर लेट हो गया तो इसीलिए अभी पीस रही हूँ, पीस ली हूँ, पीस के ख़त्म कर ली। देख सकते हैं
दो तीन दिन का जैसे पीस ली हूँ, इसको रात भर ऐसे ही रख दूंगी ताकि सुबह तक फूल जाएगा। और इसको आधा बनाऊंगी और जितना भी बचेगा उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। और इसको अभी मैं धोऊंगी कि नहीं, कुढ़िया भी लग रहा है, 10-15 हो गया, तो इसको ऐसा भाप के रख देती हूँ यहाँ पर। इसका ढक्कन पीछे से नहीं लग रहा है, दूसरा वाला ढक्कन से ढकना पड़ेगा, ये वाला ढक्कन सही रहेगा। तो चलिए, और आज हम लोग राजगंजपुर से ये सब लेके आए हैं, अदरक लहसुन और प्याज, और इसमें है बीम्बर। क्योंकि ना हम लोग का यहाँ का बाजार से राजगंजपुर में थोड़ा सा हम लोग को सस्ता पड़ता है, तो हम लोग कभी भी जाते हैं उधर तो लेके आते हैं, तो इसीलिए हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए फिर मैं भी सोने जाती हूँ, सब कोई सो गया, एकदम पूरा सुनसान हो गया और मैं इधर काम कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।